नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं साईटेक विजन यूट्यूब हिंदी चैनल। मैं हूं संजय, स्वागत करता हूं आप सभी का। दोस्तों, ये वीडियो एक सॉफ्टवेयर के बारे में है, जो सॉफ्टवेयर का नाम है डीप फ्रीज, जो आपके कंप्यूटर और लैपटॉप सिस्टम को बिल्कुल सेफ रखता है। डीप फ्रीज की वीडियो मेरी पहले भी अपलोड हो चुकी है, जो थोड़ा पुराना वर्जन है, चल रही है, 7-8 महीने पहले मैंने उसको अपलोड किया था। उस पर कुछ कमेंट आ रहे हैं, वो डीप फ्रीज का सॉफ्टवेयर अब मिल नहीं पा रहा है नेट पर, तो चूंकि वो पुराना वर्जन है तो हो सकता है नहीं मिल पा रहा हो। नए वर्जन के बारे में लोगों ने काफी पूछा है, नए वर्जन का वीडियो पर दिखाइए, वो पुराना वर्जन है, पुराना वर्जन मिल नहीं पा रहा है, नया वर्जन आसानी से मिल जा रहा है। तो ये वीडियो डीप फ्रीज की ही है, नए वर्जन पर है। ये डीप फ्रीज 8.37 की है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन, इन सब की जो लिंक होती है 1-2-3 महीने के बाद जो है वो फेल हो जाया करती है, तो आप गूगल से भी सर्च कर सकते हैं वर्जन दे करके। आप इस वर्जन को डाउनलोड करने के बाद आप इसको बिल्कुल सेम तरीके से इंस्टॉल करेंगे और सेम तरीके से बिल्कुल काम करेगा। उस वीडियो के नीचे दोस्तों कमेंट कुछ लोगों का ऐसा भी आया हुआ है, जैसे लोगों का मानना है, जैसे कुछ फ्रेंड्स का मानना है, कि मार्केट में ऐसे ऐसे वायरस हैं जो विंडो को ही करप्ट कर देंगे, तो डीप फ्रीज क्या करेगा। लेकिन दोस्तों, मैं ये बता दूं कि मैं डीप फ्रीज को लगभग 10 सालों से यूज कर रहा हूं, और 10 सालों में मैंने ये पाया है कि डीप फ्रीज के होते हुए 10 सालों के अंदर कोई ऐसा वायरस नहीं मिला जो डीप फ्रीज को करप्ट कर दिया, या फिर डीप फ्रीज के होते हुए विंडो को करप्ट कर दिया। हाँ, यूज करते समय ऐसा जरूर हुआ है कि कोई ऐसा वायरस आया जिसके वजह से हमारा लैपटॉप या कंप्यूटर सिस्टम हैंग होने लगा या कुछ डिस्टर्ब होने लगा, तो उस वक्त जरूरत है सिर्फ एक रीस्टार्ट की बस। जैसे ही आप अपने लैपटॉप या कंप्यूटर सिस्टम को रीस्टार्ट करेंगे और डीप फ्रीज ऑन है, फ्रीज है, तो जो भी वायरस है या जो भी प्रॉब्लम्स है वो सब कुछ खत्म करके, जिस भी कंडीशन में आपने डीप फ्रीज इंस्टॉल किया होगा, डीप फ्रीज ऑन किया होगा, बिल्कुल आपका लैपटॉप या कंप्यूटर सिस्टम उसी कंडीशन में मिलेगा। जैसे कोई सेंटर्स हैं, कंप्यूटर एजुकेशन सेंटर्स के लोग हैं, काफ़ी स्टूडेंट्स आते रहते हैं, कभी सी के फाइल्स उड़ा देते हैं, कभी कुछ उड़ा देते हैं, कभी कुछ डिलीट कर देते हैं, तो क्या होगा, डिलीट तो होगा, सब कुछ होगा, लेकिन जैसे ही आप कंप्यूटर को रीस्टार्ट करेंगे, रीस्टार्ट करने के बाद जैसे ही स्टार्ट होता है, तो आप पाएंगे कि जो कुछ भी डिलीट हुआ था वो भी वापस आ जाएगा, और जो कुछ भी एक्स्ट्रा आपने रखा था उस ड्राइव के अंदर, जो भी फ्रीज है, सब कुछ एक्चुअल सेटिंग में आ जाएगा, जिस सेटिंग्स के अंदर आपने डीप फ्रीज को आपने इंस्टॉल किया था। तो दोस्तों, चलिए देखते हैं कि नए वर्जन के डीप फ्रीज में क्या ऐसा चेंजिंग है, क्या है क्या नहीं है। शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है तो बहुत बहुत धन्यवाद, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे दिखाई दे रहे रेड बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब होने के बाद इस बेल आइकॉन पर क्लिक करना ना भूलें। क्लिक करते ही नोटिफिकेशंस के लिए सेव करने के लिए बोलेगा, यहां से सेव कर दें। उससे क्या होगा कि जो भी मैं वीडियोस अपलोड करूंगा तो यहां पर नोटिफिकेशन के जरिए आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी और ईमेल के जरिए भी आपको इन्फॉर्मेशन जाएगी। उसके बाद दोस्तों, अगर हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज यहां से लाइक करें, और लाइक करने के बाद यहां से फेसबुक वगैरह के जरिए आप अपने दोस्तों को शेयर भी करें। अगर हमारी YouTube की वीडियो फ्रेश दिखाई नहीं दे रही है तो आप यहाँ पर सेटिंग पर जाने के बाद, यहाँ पर क्वालिटी में जाने के बाद, यहाँ से 360p पर क्लिक कर दें, या उससे भी बेहतर देखना है तो इससे ऊपर वाले नंबर्स पर क्लिक कर सकते हैं, जैसे 480p 720 पर क्लिक करके देख सकते हैं, क्वालिटी आपको बेहतर मिलने लगेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए जो है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड करने के बाद इस टाइप की फाइल मिलेगी, एक्चुअली जिप में मिलेगी, उसको आप जो है एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। एक्सट्रैक्ट करने के बाद जो है इस टाइप की फाइल आएगी आपको, और इसको परचेस करना होगा तो परचेस कर लेंगे इसके ऑफिशियल साइट से जा करके। और इसका जो क्रैक वगैरह है हम नहीं दे सकते, क्योंकि हम लोगों के पास नहीं होता है, जनरली ये पेड सॉफ्टवेयर है, और क्रैक वगैरह, हैकिंग, क्रैकिंग, ये सारी वीडियो जो है यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस के खिलाफ है, जो इसके खिलाफ हम लोग जा नहीं सकते। तो फिर भी इससे रिलेटेड कुछ अगर पूछना हो तो प्लीज़ आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, मैं आपके हर सवाल का जवाब दूंगा। तो देखते हैं ये कैसे इंस्टॉल होगा। इंस्टॉल करने का तरीका लगभग उसी के जैसा है, आप डबल क्लिक करके ऑन करेंगे, यहाँ से यस करेंगे, और इसके बाद जो है यहाँ पर आने के बाद नेक्स्ट करेंगे, ये एक्सेप्ट लाइसेंस एग्रीमेंट है, इसको एक्सेप्ट करने के बाद नेक्स्ट करेंगे।
तो यहाँ पर जब परचेस करेंगे तो लाइसेंस की मिलेगा आपको, वो लाइसेंस की यहाँ पर कॉपी करके पेस्ट करना होगा, उसके बाद ये लाइसेंस्ड मिलेगा। वैसे 30 डेज के लिए आपको ट्रायल वर्जन मिलता है, तो यहाँ से हम एवोल्यूशन वर्जन पर क्लिक करने के बाद हम नेक्स्ट करेंगे तो सॉफ्टवेयर जो है इंस्टॉल हो जाएगा इस तरीके से। यहाँ पर जैसे जितने भी ड्राइव होंगे सारे ड्राइव आपके कंप्यूटर्स के यहाँ पर दिखाई देंगे। तो सी ड्राइव जो होता है जिसके अंदर प्रोग्राम फाइल्स होती हैं, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ऑलरेडी पहले से ही फ्रोजन में रहता है, फ्रोजन मोड में रहता है, क्योंकि हम लोग जनरली सी के लिए ही हम इस डिफ्यूज को डाउनलोड करते हैं ताकि सी हमारा यानी ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा जो है सेफ रहे। उसके बाद जो है जितने भी ड्राइव होंगे सब पे ये ऑप्शन आपका हाईलाइट होगा जिसको आप ऑन ऑफ कर सकते हैं, यानी कि किसको आपको फ्रोजन करना है, किसको नहीं करना है, यानी किसको एक्टिवेट रखना है और किसको एक्टिवेट नहीं रखना है, यानी किसको डीएक्टिवेट रखना है, तो आप यहां से क्लियर कर सकते हैं। तो जैसे कि हमारे लैपटॉप के अंदर दो ही ड्राइव है तो सी ऑलरेडी फ्रोजन में है और जिसको भी आप करना चाहते हैं उसको फ्रोजन में रहने दें, और एक या दो ड्राइव आपको छोड़ना होगा जिसके अंदर आप डॉक्यूमेंट रखने के बाद आप उसको बार बार यूज करेंगे, उसके अंदर बार बार अपने डाटा रखेंगे, तो एक दो जो है आपको थॉट में रखना पड़ेगा यानी डीएक्टिवेट करके रखना होगा जिसके अंदर बार बार आप डाटा रखेंगे और वहां से डाटा को उठाएंगे। तो हम चूंकि यहां पर दो ही ड्राइव है तो सी ऑलरेडी फ्रोजन में है तो डी को हम जो है डीएक्टिवेट करेंगे, इस पर क्लिक करने के बाद जो है थॉट में आ जाएगा तो ये जो है डीएक्टिवेट हो गया। उसके बाद जो है हम नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट के बाद बाकी सारी चीजें आप डिफॉल्ट रहने दीजिए, इंस्टॉल करेंगे और ये इंस्टॉल हो जाएगा। कुछ टाइम लगेगा प्रोसेस में, प्रोसेस होने दें, इस तरीके से प्रोसेस होता जाएगा, आप वेट करें, कोई जल्दीबाजी नहीं है सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते समय। और जैसे इंस्टॉल होगा ये रिस्टार्ट हो जाएगा, तो रिस्टार्ट होने के बाद स्टार्ट होगा फिर हम दोबारा मिलेंगे और आगे का प्रोसेस हम बताएंगे। तो दोस्तों डीफ्रीज इंस्टॉल हो चुका है और लैपटॉप रिस्टार्ट हो चुका है, अब हम इसका आगे का प्रोसेस देखते हैं। अब हम जो है डीफ्रीज को ओपन करेंगे। डीफ्रीज को ओपन करने के लिए जैसे मान लीजिए अगर आप सेंटर वगैरह में इसको ऑन किए हुए हैं या कहीं पर भी हैं, तो जनरली लोग क्या करते हैं यहाँ पर आने के बाद कुछ भी देखते हैं, तो ये है आपका डीफ्रीज, तो इसको ओपन करके देखने की कोशिश करते हैं। तो जनरली क्या है, आप इस पर क्लिक करेंगे या डबल क्लिक करेंगे या कितनी बार भी क्लिक करेंगे तो ये ओपन नहीं होगा। इसको ओपन करने के लिए आपको शिफ्ट बटन को होल्ड करके रखना होगा यानी दबा करके रखना होगा, और उसके बाद जो इस पर डबल क्लिक करेंगे तो ये ओपन होगा। उसके बाद ये पासवर्ड मांगेगा, चूंकि हमने अभी तक पासवर्ड सेट नहीं किया है तो जनरली हम ओके करेंगे तो ये खुल जाएगा डीफ्रीज स्टैंडर्ड का ये डायलॉग बॉक्स। तो ओपन होने के बाद जो है हम इसके अंदर पासवर्ड सेट करेंगे, पहले पासवर्ड पर आएंगे, उसके बाद जो भी पासवर्ड सेट करना है पासवर्ड हम डालेंगे। पहले मान लीजिए हमने 1234 डाला, सेकेंड में वही रिपीट करना होता है कंफर्म करने के लिए, हमने वो डाला और ओके किया, ये सेट हो जाने का मैसेज देगा, ओके करेंगे तो वो जो है पासवर्ड सेट हो गया है। दोबारा से हम ओपन करते हैं, शिफ्ट बटन को होल्ड करके रखा और डबल क्लिक किया, अब उसके बाद जो है हम ओके करेंगे तो ये नहीं ओपन होगा। अब हमें यहाँ पर पासवर्ड डालना होगा, 1234 हमने डाला था, ओके किया, ये ओपन हो गया। उसके बाद जो है ये तीन ऑप्शन हमको यूज करना होता है इसको एक्टिवेट करने के लिए, डीएक्टिवेट करने के लिए। बूट फ्रोजन पर जब होगा डीफ्रीज एक्टिवेट रहता है, और अगर आप इस पर करने के बाद और आप यहां से नंबर्स दे देते हैं कि कितने रीस्टार्ट के बाद ये डीएक्टिवेट हो जाएगा, तो जैसे मान लीजिए 5 नंबर्स आपने दे दिया तो 1x1 करके जब 5 बार आपका लैपटॉप या कंप्यूटर सिस्टम रिस्टार्ट होगा तब जा करके ये डीएक्टिवेट हो जाएगा। तो आप यहाँ पर नंबर भी सेट कर सकते हैं, या फिर परमानेंटली अगर डीएक्टिवेट करना है बूट थॉट पे क्लिक करके यानी तीसरे नंबर पे क्लिक करने के बाद अप्लाई एंड रिबूट कर देंगे तो कंप्यूटर रिस्टार्ट होगा और उसके बाद परमानेंटली जो है डीएक्टिवेट हो जाएगा। सॉफ्टवेयर रहेगा लेकिन ये डीएक्टिवेट हो जाएगा, यानी कि एक नॉर्मल वर्क करने लगेगा, जो भी आप इंस्टॉल करेंगे रखेंगे तो वो चीज़ रहेगा, वो हटेगा नहीं। होता क्या है कि जैसे मान लीजिए आप फर्स्ट वाले पर क्लिक है यानी कि फ्रोजन पर है, एक्टिवेट है, तो डेस्कटॉप पर भी अगर कोई भी चीज़ आप रखते हैं, कोई भी फोल्डर्स रखते हैं, कोई भी फाइल्स रखते हैं, तो जैसे रिस्टार्ट होगा वो वहाँ से खत्म हो जाएगा, क्योंकि जो डेस्कटॉप है वो ऑपरेटिंग सिस्टम के माध्यम से आ रहा है और ऑपरेटिंग सिस्टम वो सी में है, तो डेस्कटॉप पर भी कोई भी चीज़ आपकी नहीं रुकेगी जब तक एक्टिवेट रहेगा। और सी में भी कोई भी चीज़ रखते हैं या फिर कोई भी चीज़ आप डिलीट करते हैं तो डिलीट तो होगा
और कोई भी चीज़ रखना चाहेंगे तो आएगा, लेकिन जैसे ही रिस्टार्ट होगा वो वहाँ से बिल्कुल भी पहले वाली कंडीशन में हो जाएगा, वो हट जाया करेगा। तो अगर आपको मान लीजिए बीच में कोई सॉफ्टवेयर वगैरह इंस्टॉल करना है, या कोई चाहते हैं कि आप डेस्कटॉप पर परमानेंट कोई सेटिंग करना चाहते हैं, किसी प्रकार के डिस्प्ले सेटिंग करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको ये तीसरे ऑप्शन पर आकर के, यानी कि बूट थॉट पे आकर के सेलेक्ट रखते हुए आपको अप्लाई एंड रिबूट करना पड़ेगा। और कंप्यूटर रिबूट होने के बाद जब स्टार्ट होगा, फिर आकर के आप कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे, कोई भी डेस्कटॉप की सेटिंग करेंगे, जो भी आपको सेटिंग करनी होगी आपको इसको डीएक्टिवेट करने के बाद ही करनी होगी, अन्यथा वो नहीं होगा। सेटिंग होगी लेकिन फिर दोबारा से वो पहले जैसा हो जाया करेगा। फिर आप जो भी सेटिंग करना चाहते हैं कर लेने के बाद, जो भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना चाहते हैं इंस्टॉल कर लेने के बाद, आप दोबारा से उसको एक्टिवेट कर दें, ताकि आपका फिर दोबारा से आपका सी ड्राइव ऑपरेटिंग सिस्टम जो है सारा कुछ सेफ रहे। उसके लिए फिर दोबारा आप इसको ओपन करेंगे, जैसे मान लीजिए फिर दोबारा आप ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद पासवर्ड डालेंगे और जो है फिर दोबारा से बूट फ्रोजन पर क्लिक करके और दोबारा से अप्लाई एंड रिबूट करना पड़ेगा, तो जाकर के फिर से आपका जो है डीफ्रीज एक्टिव हो जाएगा। फिर उसके बाद आपका लैपटॉप या कंप्यूटर सिस्टम बिल्कुल सेफ हो जाएगा। तो ये चीज़ ध्यान रखना होगा आपको। और फ्रोजन मोड के अंदर जो भी कुछ आपको रखना होगा वो सी के अंदर या डेस्कटॉप के अंदर नहीं रखना होगा। जैसे कि डी ड्राइव को हमने एक्टिवेट नहीं किया था, डीएक्टिवेट करके रखा था, तो आप इसके अंदर डी के अंदर कुछ भी रखेंगे तो वो हटेगा नहीं, वो रहेगा परमानेंटली इसके अंदर। और जो है जो भी आप वर्क करेंगे वो डी के अंदर रखते जाएंगे, यानी जो डीएक्टिवेट है उसके अंदर रखते जाएंगे, और यहीं से आप जो है कोई भी डाटा का आदान प्रदान करेंगे, जिससे क्या होगा कि आपका सी सेफ रहेगा और बाकी जो है किसी भी प्रकार का कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। दोस्तों अगर किसी भी प्रकार का कोई सवाल है, अगर किसी भी प्रकार का पर्सनली आपको कुछ भी पूछना है, तो आप हमारे फेसबुक या इंस्टाग्राम पे फॉलो करें हमें, आप वहां पर कोई भी पर्सनली क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ आप कमेंट में हमें बताएं, और अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप लाइक जरूर करें। तो इस वीडियो में अभी तक इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।